यो आकाशवाणी जम्मू है, अब्दुल मजीद खबर सुनो। भारत ने कहा है जे चीन के नाल लगती कब्जा लकीर के नजदीक फौज पीछे हटान को सिलसिलो अजू मुकम्मल नहीं हुआ है, हालांकि इस सिलसिला में पेशरफ्त जरूर हुई है। खाजा अमूर बारे वजारत का तर्जमान अनुराग श्रीवास्तव ने जराये ब्लाक नाल कलकत्ता में दस्यो है जे इस सिलसिला में भारत ते चीन का सीनियर कमांडर मीटिंग करेगा ते दोहां मुल्कां विचकार दो तरफा तालुकात सरहदां पर अमन अमान कायम रखने वास्ते बुनियादी चीज है। तर्जमान ने मजीद कहा है जे भारत ने उम्मीद है जे चीन सरहद पर अमन कायम करन की खातर खसूसी नुमाइंदा की तरफों रजामंदी के मुताबिक फौज ना पीछे हटा देगो। पांच कोर का जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल बी एस राजू ने कल राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू नाल मुलाकात की। इस दौरान जीओसी ने एलजी मसूफ ना जम्मू कश्मीर में अंदरूनी सलामती सूरतहाल बारे तफसील नाल जानकारी दी थी ते जम्मू कश्मीर में हिफाजती निजाम के मुतालिक बख बख अहम मामला पर तबादले ख्याल भी की हो। एलजी ने जम्मू कश्मीर का लोगों की हिफाजत वास्ते सलामती सूरतहाल पर करीबी नजर रखने वास्ते कहो ते सलामती नाल जुड़िया मसाइल नाल निबड़न की खातर सलामती दस्तां ते सिविल इंतजामिया विचकार एक पायदार आपसी तालमेल कायम रखने की जरूरत पर जोर पायो। एलजी मसूफ ने सलामती दस्तां की तरफों कोविड 19 ना फैलन ते रोकन ते जम्मू कश्मीर में हिफाजत ते सलामती नाल जुड़िया मामलात नाल निबड़न का सिलसिला में बेहतर काम करने वास्ते तारीफ की। सरकारी जरिया के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कल 450 कोरोना वायरस का मजबूत मामला बंद आया, जिनमें 83 मामला सूबा जम्मू से जबकि 367 मामला सूबा कश्मीर से मजबूतान की खबर आई है। इस नाल जम्मू कश्मीर में अजू तोड़ी कुल मजबूत मामला की तादाद 19,879 हो गई है। इस दौरान इस वायरस नाल 17 अफराद की मौत भी वाकया हुई है, जिनमें सूबा जम्मू से एक और 16 वात सूबा कश्मीर में हुई। कल 520 अफराद जेड़ा कोरोना वायरस से मुतासर था बल हुआ है, जिनमें सूबा जम्मू से 199 ते सूबा कश्मीर से 331 अफराद ना बख बख हस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। रोजाना का मीडिया बुलेटिन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 19,869 मस्बत मामला है, जिनमें 7,602 एक्टिव मामला है, 11,842 अफराद शफाजाब हुआ ते 365 अफराद की इस वायरस नाल मौत हो गई है। कुल अमवाद विचो 26 अफराद को तालुक सूबा जम्मू जबकि 339 अफराद को तालुक सूबा कश्मीर नाल है। इस सिलसिला में 3 जुलाई 2020 तक 6,27,387 कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया, जिनमें 6,07,518 नमूना मनफी पाया गया। जम्मू कश्मीर ड्यूटी में सड़क रेल ते हवाई जहाज के जरिए आने वाला मुसाफर वास्ते स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने करतीना अमल वर नजरसानी शुदा रहनमा असूल जारी किया है। इन नजरसानी शुदा रहनमा असूलों के मुताबिक हवाई जहाज रेलगड्डी या सड़क के रस्ते आने वाला मुसाफर का 100% कोरोना टेस्ट किया जाएगा। हवाई जहाज ते रेल मुसाफर ना उनका मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करा गया 14 त्याड़ा वास्ते कारी करतीना मा या फिर उनका टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आन तक कार मा करतीना मा रखियो जेगो। हवाई जहाज ते रेल मामा सफर करने वाला जिन मुसाफर को आरोग्य सेतु ऐप आलो मोबाइल नहीं वेगो उन्ना 14 त्याड़ा करतीना मा या फिर उनका टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आन तोड़ी करतीना मा रखियो जेगो। लखनपुर के रस्ते जम्मू कश्मीर में आने वाला मुसाफर ना 100% 14 त्याड़ा करतीना मा पहला की तरह ही रखियो जेगो जब तक उनका टेस्ट की रिपोर्ट मनफी नहीं आ जाती। नजरसानी शुदा रहनमा असूल जम्मू कश्मीर ड्यूटी के अंदर रेड डिस्ट्रिक्ट ते ओरेंज ते ग्रीन डिस्ट्रिक्ट में आने वाला मुसाफर पर भी लागू रहेगा। इसके अलावा रेल या हवाई जहाज का मुसाफर के अलावा जेड़ा मुसाफर जम्मू कश्मीर में दाखिल होगा उनको भी इत पुजन पर टेस्ट कियो जेगो और 14 त्याड़ा कार्रवाई करतीना मा रखियो जेगो। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कल ईद उल अजहा का त्यौहार ते जुमे आजादी मनाए जाने से पहला जम्मू कश्मीर में किया गया हिफाजती इंतजाम को जायजो लियो। पुलिस जरिया ने दस्यो है जे एक आला सतह की मीटिंग के दौरान जेडी पुलिस सदर दफ्तर श्रीनगर में मुनकद हुई मां ईद ते जुमे आजादी ते पहले किया हिफाजती इंतजाम ते मजमुई हिफाजती सूरत हाल बारे तबादले ख्याल हुओ। एक मीटिंग मां कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में पुलिस नी फौजी दस्तां ते सिविल इंतजामिया की तरफों सांझी कोशिशों बारे भी तबादले ख्याल हुओ। डीसी कठुआ ओपी भगत ने कल अफसर नाल लाई एक मीटिंग की सदारत करता मां ईद उल अजहा का मौका पर जिला मां किया गया इंतजाम को जायजो लियो। इस दौरान डीसी मसूफ ने मुतलका अफसर ने हदायत दी थी जे बाजारा मां कालाबाजारी मनमानी कीमत वसूलन पर पैनी नजर रखी जाए। इसके अलावा मुतलका अफसर नाल लोगों मां राशन तकसीम करने की हदायत भी दी गई। डीसी मसूफ ने लोगों से अपील की है
जे कोविड 19 के फैलन के पेश नजर वे करम आई ईद की नमाज अदा करें। जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐलान किया है जी ईद की छुट्टी आज के बजाय पलक वेगी। वाजर है जी जम्मू कश्मीर सरकार का कैलेंडर के मुताबिक ईद की छुट्टी 31 जुलाई ना थी। इसके नाली कुछ खबरों को जो बुलेटिन खत्म हुआ।